नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूं पटना जिला के ऐन खाँव के पशु मंडी में। जी हां, आप लोग देख सकते हैं, यह ऐन खाँव के पशु मंडी है जो कि प्रत्येक गुरुवार के दिन यहां पे पशुओं की मंडी लगती है। अगर पटना जिले से इसकी दूरी की बात की जाए तो लमसम 35 से 40 किलोमीटर के दूरी पर यह मेला मंडी लगती है, जो कि यह एक साप्ताहिक पशु मंडी है। प्रत्येक गुरुवार के दिन ही यहाँ पे पशुओं की मंडी लगती है। अभी अभी हम ऐन खाँव के पशु मंडी में पहुंच चुके हैं और आज आप लोग देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से ऐन खाँव की पशु मंडी की जो कंडीशन है वह कुछ इस प्रकार से हो चुका है। कौन बयान में यह गाय है? अभी तीसरी है। तीसरी बयान में जी। बच्चा कौन सा है? बाछी बच्चा है जी। तो बच्चे की बात की जाए तो बछिया बच्चा है, और ब्याज की बात की जाए तो तीसरी ब्याज में यह गाय है। दूध कितना है? 18 लीटर। अच्छा, दूध की बात की जाए तो 18 लीटर दूध जो है वह बता रहे हैं। थानों की बनावट कुछ इस प्रकार से है। कीमत क्या रखे हैं? 55,000। कीमत की बात की जाए तो आज के मेले मंडी में इस गाय का कीमत जो है वह 55,000 रुपए बता रहे हैं। बाकी मेले मंडी की स्थिति तो आप लोग देख ही सकते हैं, कितना ज्यादा मेले में आज कीचड़ हो चुका है। खाओ के पशु मंडी से एक बहुत ही बेहतरीन गाय का वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले आप लोग गाय को देख लीजिए, बढ़ाकर दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाय को लेने वाले भी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अटर की बनावट भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। बताएंगे अभी, बताएंगे, पता नहीं है अभी, पता नहीं है अभी, बताएंगे, बताएंगे, पूछेंगे, अभी पूछेंगे। कितना दूध होगा? 30 लीटर। 30 लीटर निकाल लेगी, है ना जी। कौन बयान में है? तीसरे, दूसरे। तो आप लोग देख सकते हैं 30 लीटर दूध करने की कैपेसिटी बताई जा रही है, और ब्याज की बात की जाए तो दूसरे ब्याज में यह गाय है। बच्चे की बात की जाए तो बाछा बच्चा है, जो कि यह गाय जो है हाल फिलहाल में ही बच्चे को जन्म दी है। आज के ऐन खाँव के मेले मंडी में मात्र और मात्र 70,000 रुपए में इस गाय की बिक्री हो गई, जो कि काफी ही बेहतरीन ऑर्डर के साथ यह गाय है।
अब आप लोगों को एनखम पशु मंडी से इस वाली गाय को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग गाय को देख लीजिए, बढ़ाकर दिखा रहे हैं। और बाकी आप लोग आज के मेले मंडी की तो स्थिति देख ही सकते हैं। थानों की बनावट जो है वह कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। थानों की बनावट जो है वह काफी दूरी पे है। अब इस गाय के बारे में पता करेंगे, कौन सा बच्चा है? बाछी। बाछी बच्चा है, बछिया बच्चा है। बच्चे की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बछिया बच्चा है। कितना दिन पहले बच्चा दिया है? लग रहा है 24 घंटा हुई था। मात्र 24 घंटा पहले? 24 घंटा। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं मात्र और मात्र 24 घंटा पहले यह गाय जो है बच्चे को जन्म दी है। कौन बयान में है? तीसरी बयान में। ब्याज की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं तीसरी ब्याज की यह गाय है। दूध का एफसीटी कितना होगा? 18 किलो। 18 किलो। दूध की बात की जाए तो 18 लीटर दूध जो है वह बताई जा रही है। दाम क्या रखे हैं मेला में इसका? 58,000 जी। कीमत की बात की जाए तो 58,000 रुपए एन खो के मेले मंडी में इस गाय का कीमत रखा गया है। मगर जो भाई अगर खरीदारी की नियत से आएंगे तो उनको यह गाय काफी उचित रेट में मिल जाएगी। और काफी ही ऊंची हाइट की यह गाय है। लाइए। बच्चा कौन सी है? कजी खाजी अच्छा हब गंगा के बियाह में हम से हब खूब बढ़िया लगतो टाव है सुख ना। हां का दाम काम का रखो तो होता है मकानू कोने में काम के तो आप लोग देख सकते हैं जर्सी नस्ल में काफी ही छोटी हाइट की यह गाय जो कि एन खाव के मेले मंडी में बिक्री के लिए यह गाय जो है सो आई हुई है। सबसे पहले आप लोग गाय को देख लीजिए, फिर से एक बार बढ़ाकर दिखा रहे हैं। काफी ही छोटी हाइट की यह गाय है और छोटे किसान के लिए ही यह गाय है। बच्चे की बात की जाए तो बाछा बच्चा है जो कि पास में ही बांधा गया है। ऑर्डर की बनावट जो है कुछ इस प्रकार से है। डर की बनावट जो है वह कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। कौन बयान में है? दूसरी बयान में। ब्याज की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी ब्याज में यह गाय है। दूध कितना होगा? दूध क्षमता 14। दूध की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 14 लीटर दूध बताई जा रही है। कीमत क्या रखे है इसका दाम? कीमत की बात की जाए तो मेले मंडी में इस गाय का कीमत 45,000 रुपए रखी गई है।